नमस्कार दोस्तों, अभी अभी की बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। जानकारी को सामने आ रहा है कि यहाँ पर कांस्टेबल पत्नी को छुट्टी नहीं मिलने से उसका पति नाराज था और होटल में मिलने का प्लान बनाया और यहाँ पर उन्होंने फायर कर दिया। ये मामला निकल कर आ रहा है पटना बिहार का, जहाँ पर पटना जंक्शन के पास एक होटल में जानकारी सामने आ रही है, जहाँ पर महिला की पहचान कांस्टेबल शोभा कुमारी के रूप में हो पाई है, जो पत्नी ने पति ने इस घटना को अंजाम दिया है। जानकारी में सामने आ रहा है पत्नी कांस्टेबल पत्नी को छुट्टी नहीं मिलने पर परेशान था। वो एक साल में सिर्फ 2 बार ससुराल आई थी। इस बात को लेकर दोनों में अनबन चल रही थी और गुरुवार को पति ने पत्नी को फोन कर होटल मिलने बुलाया और वहां पर उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। शोभा ने कहा था कि पटना में दुर्गा पूजा में ड्यूटी लगी है, कैसे आऊँ। इसके बाद शोभा ने कहा कि आप पटना आ जाइए, यहाँ किसी होटल रूम में बात करते हैं। इसी बीच बताया जा रहा है कि होटल रूम में पहुंचने के बाद आरोपी पति ने इस घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची। यहां तक कि जांच में सामने आ रहा है कि यहां पर न्यूड अवस्था में बताया जा रहा है कि ये जानकारी सामने आई थी और संदिग्ध परिस्थितियों में शव बरामद किया। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। तमाम खबरों के लिए बने रही चैनल पर लाइक शेयर कमेंट करें। आरोपी फरार है, उनकी तलाश जारी।